हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? वी आर रीडिंग योर चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री। टुडे वी विल लर्न अबाउट द पार्ट नंबर सेकंड ऑफ योर चैप्टर। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, देखते हैं इस पिक्चर के डिस्क्रिप्शन में क्या दिया गया है। इस पिक्चर के जो नीचे लिखा गया है, ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्रास टू ब्रिटानिया, फ्रंट पीस ऑफ टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड बाय जेम्स रेनेल 1782। जो ब्राह्मण्स हैं वो ब्रिटानिया को, ब्रिटानिया क्या होती है, जो ब्रिटिश नेशन की एलिग्री होती है, ब्रिटिश नेशन का सिंबल होता है, उसको बोलते हैं ब्रिटानिया। जैसे हमारी कंट्री है भारत, तो भारत को रिप्रेजेंट करने वाली जो सिंबल है, जो एलिग्री है, वो क्या है, भारत माता। तो उसी तरीके से ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करने वाले क्या आपके, ब्रिटानिया। तो ब्राह्मण है ना, शास्त्र जो हमारे ओल्ड टेक्स्ट हैं, होली टेक्स्ट हैं, शास्त्र बोलते हैं उनको, वेद ग्रंथ शास्त्र। तो ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्रास टू ब्रिटानिया। स्टूडेंट्स, ब्राह्मण यहाँ पे ब्रिटानिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। फ्रंट पीस, फ्रंट पीस होता है सामने वाला जो आमुख होता है, या किसी बुक का जो आवरण पेज होता है या जिलत वाला पेज होता है, उसको बोलते हैं फ्रंट पीस। टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड बाय द जेम्स रेनेल 1782। जेम्स रेनेल ने एक मैप बनाया था, उस मैप का ये सामने वाला फेस है, उस मैप का सामने वाला आवरण या आमुख है, तो उसमें ये पिक्चर दी गई है। रेनेल वाज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान। स्टूडेंट्स, रेनेल ने आपके है ना हिंदुस्तान का मैप बनाया था, किसके कहने पे, रॉबर्ट क्लाइव के कहने पे। तो रॉबर्ट क्लाइव कौन था स्टूडेंट? रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। एक बहुत से गवर्नर जनरल हुए हैं, उनमें से एक गवर्नर जनरल इंडिया का हुआ है रॉबर्ट क्लाइव। लेटर चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छी तरीके से। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया में सबसे बड़ा जो ऑफिशियल अधिकारी होता था, उसको बोलते थे गवर्नर जनरल। रेनेल को कहा था रॉबर्ट क्लाइव, जो गवर्नर जनरल था, कि आप है ना हिंदुस्तान का मैप बनाइए। एन एंथुजियास्टिक सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। एंथुजियास्टिक क्या होता है स्टूडेंट? बहुत ही जोशीला या उत्तेजित सपोर्टर, समर्थक था ब्रिटिश कॉन्क्विस्ट, ब्रिटिश लोगों की जीत का इंडिया में, कि ब्रिटिश लोग इंडिया को जीतें, इसका बहुत ही बड़ा कौन समर्थक था, वो था जेम्स रेनेल। और जेम्स रेनेल ने क्या बनाया था, मैप ऑफ हिंदुस्तान, किसके कहने पे, रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल के कहने पे। रेनेल्स प्रिपरेशन ऑफ मैप्स एन असेंशियल टू द प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन। स्टूडेंट्स, जेम्स रेनेल मैप की प्रिपरेशन को, मैप की जो तैयार करने की प्रोसेस थी, उसको वो असेंशियल मानता था, अनिवार्य मानता था डोमिनेशन की प्रोसेस के लिए, कि यदि अंग्रेज लोग, इंग्लिश लोग इंडिया में, ब्रिटिश लोग इंडिया में अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैप बहुत ज़रूरी थे। क्योंकि आजकल तो हम गूगल मैप देख लेते हैं, हम कहाँ पे चल रहे हैं, हमारे को कहाँ पे जाना है, लेकिन ओल्ड टाइम में जो पेपर के ऊपर, कागज़ के ऊपर मैप बनाए जाते थे, उन मैप की हेल्प से अलग अलग रिमोट एरिया में और दूर के एरिया में जाते थे आपके भी इंग्लिश या ब्रिटिश लोग, और फिर उन एरिया को आपके वो क्या करते थे, कॉन्क्वेस्ट करते थे, जीतते थे और वहाँ पे कब्जा कर लेते थे। द पिक्चर हियर ट्राइज टू सजेस्ट दैट इंडियंस विलिंगली गेव अवर देयर एंशियंट टेक्स्ट टू ब्रिटानिया द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर एज इफ आस्किंग हर टू बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर। तो पिक्चर हेयर ट्राइज टू सजेस्ट, पिक्चर हमें ट्राइज करती है टू सजेस्ट, बताने का, कि इंडियंस जो लोग हैं विलिंगली अपनी मर्जी से गेव अवर दे रहे हैं एंशियंट टेक्स्ट, अपने प्राचीन ग्रंथ दे रहे हैं ब्रिटानिया को, जो ब्रिटिश नेशन का सिंबल है या ब्रिटिश पावर का एक सिंबल है। तो ब्रिटिश पावर का जो सिंबल थी ब्रिटानिया, उसको है ना ब्राह्मण अपनी इच्छा से
इंडिया के एंशियंट टेक्स्ट, प्राचीन ग्रंथ दे रहे हैं और उससे ये बोल रहे हैं कि आप है ना इंडियन कल्चर की, भारतीय संस्कृति की प्रोटेक्टर बन जाओ, रक्षा करने वाली बन जाओ। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे क्या होता है। ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर अस बैक टू नोशंस ऑफ टाइम, बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर और मंथ और ए मंथ। समटाइम्स इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेस प्रोसेसेस दैट हैपन्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। पिछली जो आपके पिछला जो पार्ट था स्टूडेंट्स, उसमें हमने स्टडी किया था कि लोगों ने इंडिया में चाय कब पीनी शुरू की, उसकी कोई करेक्ट डेट हम नहीं बता सकते। लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ना कब शुरू किया, उसकी हम करेक्ट डेट नहीं बता सकते। तो देखिए, ऑल सच हिस्टोरिकल क्वेश्चंस, ये सारे के सारे जो हिस्टोरिकल क्वेश्चन हैं डेट से रिलेटेड, रेफर हमें बताते हैं अस बैक, या ले जाते हैं, रेफर मतलब ले जाते हैं, अस हमें बैक वापस टू द नोशन ऑफ टाइम, समय की धारणा की तरफ। मतलब कि जितने हिस्टोरिकल क्वेश्चन हैं, कौन से हिस्टोरिकल क्वेश्चन, कि लोगों ने चाय कब पीनी शुरू की, लोगों ने न्यूज़पेपर कब पढ़ना शुरू किया, तो ये सारे के सारे हिस्टोरिकल क्वेश्चन रेफर ले जाते हैं अस हमें नोशन ऑफ टाइम, समय की धारणा के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं, या समय की धारणा की तरफ हम वापस ये क्वेश्चन ले जाते हैं। मतलब कि इन क्वेश्चन, जब ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं, तो तब हम टाइम के नोशन के बारे में, समय के बारे में हम सोचने लग जाते हैं, समय का जो नोशन है, समय की जो धारणा है, उसके बारे में हम थिंकिंग करने लग जाते हैं। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड, लेकिन आगे देखिए, बट लेकिन टाइम डज नॉट हैव टू बी, लेकिन टाइम को हमेशा नहीं होना पड़ता ऑलवेज, हमेशा प्रिसाइजली एकदम सही डेटेड, डेट के मामले में, इन टर्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर ऑफ मंथ और मंथ, कि टाइम हमेशा सही, एकदम सही डेट हम टाइम की नहीं बता सकते यदि हम किसी पर्टिकुलर ईयर या मंथ की बात करें। तो हम है ना पर्टिकुलर ईयर या मंथ की बात करने लग जाएं, या किसी डेट की बात करने लग जाएं, तो उस मामले में टाइम सही आपके मायने में खरा नहीं उतर सकता हमारी उम्मीदों पे, क्योंकि है ना प्रिसाइज होता है एकदम सही डेट हम किसी पर्टिकुलर ईयर या मंथ की नहीं बता सकते। लोगों ने टी कब पीनी शुरू की, लोगों ने न्यूज़पेपर कब आप कहना पढ़ना शुरू किया, तो इसका हम कोई करेक्ट मंथ या ईयर या कोई डेट नहीं बता सकते। तो टाइम कभी भी डेट के मामले में, ईयर या मंथ के मामले में बंधा नहीं हो सकता। समटाइम्स इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट, कई बार है ना इट इज एक्चुअली, ये सचमुच में गलत होता है, एक्चुअली होता है सचमुच में, इनकरेक्ट गलत, ये सचमुच में गलत होता है समटाइम्स, कई बार, टू फिक्स प्रिसाइज डेट, किस एकदम सही डेट फिक्स कर देना टू द प्रोसेसेस, किसी प्रोसेस की, दैट हैपन्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो कि आपके एक समय की अवधि में होती है, एक पीरियड ऑफ टाइम में होती है। तो किसी भी पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी प्रोसेस की, किसी भी मतलब कि आपके प्रक्रिया या घटना की, आप कहना हम फिक्स डेट नहीं कर सकते। कौन सी डेट, प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब कि आपके एकदम सही डेट। कोई भी है ना यदि प्रोसेस किसी पीरियड ऑफ टाइम में हैपन्ड होती है, किसी समय की अवधि में होती है, तो उसकी हम है ना आपके प्रिसाइज डेट, एकदम सही डेट उसकी फिक्स नहीं कर सकते किसी भी प्रोसेस की। और ये क्या होगा, एक्चुअली सचमुच में इनकरेक्ट होगा, गलत होगा, यदि हम किसी चीज़ की प्रिसाइज एकदम सही डेट क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, फिक्स करते हैं, कौन सी प्रोसेस जो किसी पीरियड ऑफ टाइम में, अवधि में होती है, तो किसी भी अवधि की या प्रोसेस की हम फिक्स डेट डिसाइड नहीं कर सकते, एक्चुअली ये सचमुच में इनकरेक्ट गलत होता है। पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, वो एक शानदार दिन, फाइन डे, इंडिया में लोगों ने एक शानदार डे, एक जो वो शानदार दिन नहीं था कि उसी दिन चाय पीनी शुरू की थी। तो इस चीज़ की है ना हम कोई डेट है ना प्रिसाइज डेट, एकदम सही डेट फिक्स नहीं कर सकते। नहीं जानते हम कि लोगों ने चाय पीना किस दिन शुरू किया इंडिया में। दे डेवलप्ड ए टेस्ट फॉर इट आवर टाइम,
चाय का जो टेस्ट है ना, वो लोगों की जुबान पे समय के साथ साथ चढ़ा था, और चाय के टेस्ट में लोगों का इंटरेस्ट ओवर टाइम समय के साथ साथ डेवलप हुआ था। चाय का टेस्ट लोगों के अंदर, वो एकदम या एक दिन उन्होंने चाय पीनी स्टार्ट नहीं की थी। उसी तरीके से देर कैन बी नो वन क्लियर डेट, नो वन क्लियर डेट फॉर ए प्रोसेस सच एज दिस। तो इस तरीके की प्रोसेस के लिए कि लोगों ने चाय कब पीनी शुरू की, तो कोई क्लियर डेट नहीं हो सकती। टाइम को डेट में, ईयर में, मंथ में नहीं बांधा जा सकता। सिमिलरली उसी तरीके से वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड और चेंजेस टुक प्लेस विद इन विद इन द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी। उसी तरीके से स्टूडेंट्स, हम कोई सिंगल डेट डिसाइड नहीं कर सकते कि ब्रिटिश रूल इंडिया में कब एस्टेब्लिश हुआ या नेशनल मूवमेंट कब बना, मतलब कि नेशनल मूवमेंट हमारी कंट्री में स्टार्ट कब हुआ। नेशनल मूवमेंट कौन सा बोलेंगे, जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने नेशन को आज़ाद कराने के लिए जो मूवमेंट या आंदोलन चलाया उसको बोलेंगे नेशनल मूवमेंट। तो स्टूडेंट्स, ब्रिटिश रूल इंडिया में कब एस्टेब्लिश हुआ या नेशनल मूवमेंट हमारा कब स्टार्ट होता है या इकोनॉमी और सोसाइटी में चेंज कब आए, तो इस तरीके की जितनी भी इवेंट हैं इनके लिए हम कोई फिक्स डेट तय नहीं कर सकते। ऐसी घटनाओं की कोई डेट नहीं हो सकती। ऑल दीज थिंग्स हैपन्ड ओवर ए स्ट्रेच ऑफ टाइम। स्ट्रेच क्या होता, अवधि, पीरियड ऑफ टाइम बोल देंगे। तो ये सारी घटनाएं एक आपके समय की अवधि के दौरान हुई हैं, हम इनके लिए कोई डेट आपके डिसाइड नहीं कर सकते। वी कैन ओनली रेफर टू ए स्पेन ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स, हम सिर्फ एक समय की अवधि की बात कर सकते हैं, स्पेन ऑफ टाइम की बात कर सकते हैं, भाई उस टाइम था वो 200-300 साल पहले बोल सकते हैं। एन अप्रोक्सीमेट पीरियड, एक अनुमानित पीरियड की बात कर सकते हैं हम। ओवर विच, जिसमें पर्टिकुलर चेंजेस बिकम विजिबल, जिसमें हमारे को कुछ विशेष चेंज दिखाने शुरू हुए, उस टाइम का है, मैं अप्रोक्सीमेटली अनुमान बता सकते हैं उस टाइम का, और है ना एक स्पेन ऑफ टाइम बता सकते हैं, एक समय की अवधि बता सकते हैं। किसी घटना में कोई आपके है ना कोई घटना किसी टाइम विजिबल या दिखाई देनी हमें शुरू हुई, तो उसका हम एक स्पेन ऑफ टाइम, उसका 200-300 साल की अवधि बता सकते हैं, या अप्रोक्सीमेट अनुमानित पीरियड बता सकते हैं, उसका एक अनुमानित समय बता सकते हैं कि ये कोई विशेष पर्टिकुलर पर्टिकुलर होता, विशेष विशेष चेंज हमारे को उस टाइम विजिबल होना या दिखाई देना शुरू हुआ था, मतलब कि ये चेंज उस टाइम होना शुरू हुआ था, उसके लिए हम अप्रोक्सीमेट अनुमानित पीरियड बता सकते हैं, और मतलब कि एक स्पेन ऑफ टाइम या उसके बारे में समय की अवधि हम बता सकते हैं, उसके लिए कोई फिक्स डेट हम नहीं बता सकते। तो स्टूडेंट्स, आपका पार्ट नंबर 2 खत्म होता है। थैंक यू सो मच।